चलिए सर, सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन तो हमने ले ली। अब एक अपडेट सुन लो कि सर, अगर आप लोग को इलाहाबाद विश्वविद्यालय से LLB करना है, MA करना है, MSc करना है, MCOM करना है, यानी PG कोर्सेज आपको करने हैं, LLM करना है, BEd करना है, तो आपको देना पड़ेगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम। अब इसका एंट्रेंस एग्जाम कब होगा सर, इसका फॉर्म कब आएगा वो भी जान लो। यहाँ पे ऑफिशियल तौर पे एडमिशन सेल पे बात होने के बाद उन्होंने ये क्लियर किया है कि सर, अभी CUET का सारा चीज फंसा हुआ था मैटर, UG में कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो हमने क्लियर कर दिया, एडमिशन ब्राउचर हमने लॉन्च कर दिया। अब मेरा जो UG कोर्स है सर, जितने भी हमारे क्या है UG कोर्सेज सर, वो सारे हमारे जा रहे हैं CUET के थ्रू। ठीक है, CUET के थ्रू हमारे UG कोर्सेज जा रहे हैं और हम लोग CUET PG में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो जो PG कोर्स होगा उसका हमारा जो फॉर्म होगा, वो हमारा फॉर्म जो होगा वो हमारा अप्रैल में आ जाएगा। अप्रैल में क्या, अप्रैल के फर्स्ट वीक से लेके सेकेंड वीक के बीच में आप लोग का जो फॉर्म होगा PG कोर्स के लिए वो आ जाएगा। जो एंट्रेंस एग्जाम सर हमारा होगा, इस बार इलेक्शन का मैटर आ चुका है, तो एग्जाम जो होगा वो हम लोग कोशिश करेंगे मई में करवाने की। अगर मई में नहीं होता है तो ज़्यादा चांसेज हैं वो जून में हमारे जो एंट्रेंस एग्जाम है वो जाने वाले हैं सर। तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया सर कि जो एग्जाम होगा ये आप लोग का जून महीने में हो सकता है, अप्रैल में जो है आप लोग का फॉर्म आ चुका है, यानी अगले महीने के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में फॉर्म आ जाएगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। तैयारी तो आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप, यानी कि टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप क्या करना है कि मोबाइल ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग LLB कोर्स करना चाहते हो, PG में हम लोग केवल क्या करते हैं LLB तैयारी करवा रहे हैं। LLB में एक्सपर्ट फैकल्टी जो कि आपकी अनुपूर्णा मैम है, दीपाली मैम है, जो कि LLB LLM कर चुकी हैं, अभी हाल ही में उनका लॉ से उनका नेट भी क्वालिफाई हुआ है, उनके पे कोई भी डाउट नहीं कर सकते हो। एक अच्छी फैकल्टी के साथ LLB के अच्छी तैयारी करिए, क्योंकि AU जो है LLB के मामले में काफ़ी आगे है। यहाँ की जो लॉ फैकल्टी है वो मानी जाती है, बच्चा अगर पढ़ लेता है तो अपने आप में वो एक जज हो जाता है, अपने आप में एक वकील हो जाता है वो। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जब करोगे आप LLB करने के बाद तो काफ़ी हेल्प होती है, जब जितनी अच्छी प्रिपरेशन रहेगी, जितनी अच्छी बुनियाद रखोगे उतना अच्छा मकान बनता है। ठीक है, ये बार बार बोला जाता है। तो आपको क्या करना है कि LLB तैयारी के लिए टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ कंप्लीट कोर्स है LLB एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, फिर एकदम निश्चिंत हो जाओ, तैयारी आपकी बेहतर करा दी जाएगी। जो भी सिलेबस यहाँ पे है, सिलेबस के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हम लोग तैयारी करवाते हैं, हमारा बैच चलता है। ठीक, बाकी जो PG कोर्सेज हैं, MA हो गया, MSc हो गया, MCOM हो गया, तो इनके लिए जो भी ग्रेजुएशन का सिलेबस है उसी को आपको पढ़ना है, वही आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो आप लोग का रिक्वेस्ट होगी तो उन सभी कोर्सेज के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, तो परेशान नहीं होना। चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इलाहाबाद के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा जहां हर अपडेट मिलती रहेगी, उसको ज्वाइन कर लेना और ऐप LLB वाले बच्चे डाउनलोड कर लेना। थैंक यू सो मच।